بیٚیہِ پانے کھیٚون ییٚلہِ گوٚو واریاہ زیادٕ مَزٕ. مےٚ سۭتۍ جن جن نے بھی ابھی تک سبسکرایب نہیں کیا تو پلیز پلیز سبسکرایب کر دو کیونکہ اس والے ویڈیو میں بہت زیادہ محنت لگی. گائز وہاں سے ہماری بون طور پہ ریڈی ہو گئی. जिन जिन ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी क्या अभी सब्सक्राइब करेंगे. एंड मुझे पता है आप लोग बहुत सारे लोग इस चीज का वेट कर रहे थे इस वाले व्लॉग का. बोल रहे थे आप कैंपिंग पे कब जाओगे. वो वाला दिन आज डिसाइड हो गया तो आज हम जा रहे हैं कैंपिंग पे. फिलहाल फाइनली टेंट वगैरह मैंने सारा कुछ रेंट पे लाया. हम नाइट में वहाँ पे फिशिंग भी करने वाले है. क्यों पापा आज क्या क्या करने वाले है. नाइट कैंपिंग पे जाने वाले हैं. बाकी ये रहा सारा सामान ठीक है घर से लेते हैं. एंड टेंट बाहर है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा. सो फिलहाल सारा कुछ पैक करते हैं एंड निकलते हैं. एंड टाइम देखो क्या आ रहा है. सो गाइस फिलहाल अभी थोड़ा सा लेट ही हो गया. 4:00 कुछ ज्यादा ही टाइम आ रहा है तो जल्द से जल्दी घर निकलेंगे. 4:30 तक हम घर से निकलेंगे एंड देखेंगे क्या कुछ रहेगा. बस बारिश नहीं होनी चाहिए जब वहां पे पहुंचेंगे अगर तब होगी तो. फिलहाल घर से निकलेंगे तो तब बारिश नहीं होनी चाहिए. बाकी एकदम मजा आने वाला है इस कैंपिंग वाली सीरीज पे. जिन जिन ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करेंगे एंड बहुत ज्यादा प्यार दो इस कैंपिंग वाली सीरीज में. आगे भी हमें इंशाल्लाह डालते रहेंगे. फिलहाल तैयारी चल रही है. गाइस ये रहा स्टोव वगैरह इसी पे हम खाना बनाने वाले हैं. एंड इस वाले व्लॉग में हम फिशिंग भी करने वाले हैं तो नाइट फिशिंग हम करेंगे. वो सामान भी सारा रेडी है उसमें रहे कोयले. हवा मजा आने वाला है. लोगों को बोलो सब्सक्राइब करो. बोलो लोगों को सब्सक्राइब करो. सो गाइस ये हमने सारा सामान बाहर निकाला. अब स्कूटी पर लोड करना है वो बहुत बड़ा मसला है. स्कूटी देखो कैसी है. एंड टाइम पता है कब क्या आ रहा है. 5 आ रहा है टाइम. 5 बज गए अभी भी हम घर पे ही है. ये रहा टेंट इसमें रहा सारा कुछ खाने वाना बनेगा. यहाँ रहा स्टोव एंड ये रही फिशिंग रॉड जो कि इम्पोर्टेंट है. एंड वो रहे कलाकार. सो गाइस फिलहाल सामान वगैरह लोड करते हैं. वो हमने लोड किया स्टोव वगैरह. अब खाली एक बैग लोड करना है ये वाला जो कि भारी है. फाइनली गाइस फिलहाल अभी हम निकले घर से एंड अभी हम चल रहे हैं सोरा के साइड. एंड यहाँ पे जाके डिसाइड हुआ हमको कैंपिंग करनी है नाइट कैंपिंग एक दिन के लिए. वो हम करेंगे गांदरबल में. क्योंकि हमने आप सबको बोला था गांदरबल एक बहुत ही अच्छी जगह है एंड हमने बोला था वहाँ पे हम कैंपिंग करेंगे. तो फिलहाल अभी हम फाइनली निकले. मौसम थोड़ा सा खराब ही है. लेट्स सी कितना क्या मजा आएगा. बारिश अगर गिरती है तो वो भी देखा जाएगा. बाबा आपको कैसा लग रहा है. क्या लग रहा है अगर बारिश गिर गई फिर कहाँ जाएंगे. अगर बारिश गिर गई तो हालत खराब होने वाली है. फिलहाल सबसे पहले हमें काम करना है. जल्द से जल्दी पहुंचना है एंड सामान वगैरह लेंगे आगे खाने पीने के लिए. ठीक है एंड रात में जो बनाएंगे ना कुछ उसके लिए तो जरूरी सामान वगैरह लेना है. शायद मुर्गा लेंगे. हमको गांदरबल से प्यार हो गया. क्योंकि गांदरबल के लोग भी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं हमको एंड बहुत सारे जगहों से. सो फिलहाल जल्द से जल्दी पहुंचते हैं एंड देखते हैं क्या रहता है. बाकी लगेज वगैरह हमने पीछे पैक कर दिया है आप देख सकते हो. फिलहाल अभी हम पहुंचे हैं ऐसी कुछ जगह पे आप देख सकते हो. तो चलो चलते हैं. हाँ फिलहाल पहुंच गए इस वाली जगह पे. यहाँ पे हम पहले मुर्गा लेते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हो पापा एकदम हेवी लग रहा है कि हम लद्दाख जा रहे हैं. ये देखो फिलहाल मैं मुर्गा लेता हूँ साइड से. तो फिलहाल लगेगा हमको गांदरबल तक लगेगा आधा घंटा. फिलहाल मुर्गा वगैरह लाते हैं एंड चलते हैं. ओके तो फिलहाल गाइस फाइनली यहाँ पे मुर्गा ज़बह हो रहा है एंड अभी हमें लगेंगे गांदरबल तक आधा घंटा. एंड मौसम थोड़ा सा खराब ही है. लगता है कि बारिश हो जाएगी. लेट्स सी अगर बारिश होगी तो थोड़ी सी दिक्कत हो जानी होगी. तो ये सीन है. आगे कुछ लेंगे और खाने पीने के लिए मतलब ना ये जंक फूड वगैरह लेंगे और भी देखेंगे क्या क्या लेंगे जूस वगैरह. पापा फिलहाल उस साइड से हैं. करते हैं वेट देखते हैं कितना क्या टाइम लगता है एंड चलता है. लेकिन मौसम बहुत ज़्यादा खराब है. क्लाउडी मौसम है. लेट्स सी
क्या क्या रहता है एंड रास्ते में बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर मिले, बहुत सारे सब्सक्राइबर एंड बहुत ज्यादा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। वेट करते हैं, फटाफट निकलते हैं। ओके तो फाइनली गाइस चिकन वगैरह ले लिया, अब चलते हैं। ये देखो बाबा कैसा लग रहा है, हम कहाँ निकले हैं लगता है, हम लगता है लद्दाख निकले हैं, है ना। ये कहाँ रखेंगे चिकन, ये दो इधर, लेट्स गो निकलेंगे। गाइस हम यही प्रे कर रहे हैं कि बारिश ना हो, लेकिन जिस हिसाब से मौसम है मुझे लगता है लगभग अगले 20 या 30 मिनट में बारिश हो जाएगी, जिस हिसाब से मौसम है। वैसे क्या ही बोल सकते हैं, सारा ऊपर वाले तक है, फिर भी चिकन वगैरह ले लिया एकदम मस्त, यहाँ से ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। देखेंगे कैसा क्या रहेगा एक्सपीरियंस आज। मैं मेरा सेकंड टाइम है, मैं सेकंड टाइम जा रहा हूँ कैंपिंग पे, एंड पापा जा रहा है फर्स्ट टाइम। क्यों पापा? मैं नहीं जाता हूँ कैंपिंग पे। पापा अपनी जिंदगी में पहली बार जा रहा है तो समझ ही सकते हो। हाँ, होटल में बैठते हो, थोड़ा धीरे चलो। ये देखो यहाँ से कैसे नजारे है। ओके देखेंगे क्या कुछ रहेगा आगे। चलो चलो चलो, एकदम मजा आने वाला है। बस आगे हमें खाली अब दूध लेना है, और क्या लेना है, टमाटर लेना है। ओके गाइस लोग हमें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लगभग 30-40 सब्सक्राइबर्स हमें मिले गांधरबल आते आते, ठीक है। साइड से वेव कर रहे हैं ऐसे लड़कियां वगैरह, बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। बस मैं थोड़ा सा बिजी था इन दिनों, इसी वजह से व्लॉग नहीं डाल पा रहा था, तो आपसे रेगुलर व्लॉग्स आएंगे एंड एकदम हेवी व्लॉग्स आएंगे, ठीक है, मतलब ना स्पेशल डिफरेंट डिफरेंट व्लॉग्स आएंगे। चलो फिलहाल चलते हैं। क्यों पापा? अर्जुन क्यों नहीं है? ओ भाई साहब, मौसम थोड़ा सा नटखट है, नटखट। यहाँ पे रुके रोटी लाने के लिए, पहले रोटी लाते हैं चाय के साथ शाम को, फिर रोटी वगैरह भी खाएंगे। ये देखो चलो गाइस रोटी ले ली, अब चलते हैं। दूध लेते हैं। हालत खराब, हवाएं बहुत ज्यादा तेज। ओ भाई साहब, हवाएं तेज। हमने सब कुछ ले लिया, आप कुछ नहीं लेना है, आप बस टेंट लगाना है एंड खाने वाना पकाना है। हाँ टमाटर हमने नहीं लिए, टमाटर लेने हैं अभी। हवाएं चल रही है, मौसम थोड़ा सा खराब है। क्यों पापा? थोड़ा ना क्या बहुत, आप खाली शीशा देखते हो, आप अच्छे हो, आप कितनी बार बोलूंगा मैं, बहुत खराब है जी मौसम, जिंदगी खराब। देखो ना हवा कितनी है, हवाएं तेज चल रही है। ओ भाई साहब। ओके सो चलो चलते हैं। So guys, last finally गांधरबल की उस लोकेशन पे पहुंच गए जहाँ पे हमको कैंपिंग करनी थी, एंड यहाँ पे हमको एक भाई है, मतलब वो जब हम राफ्टिंग करने हैं तभी मिला था, एंड तभी उस भाई को हमने बोला था हमको आना है कुछ दिनों में कैंपिंग करने के लिए, हमको एक अच्छी सी लोकेशन बोलो, एंड वो भाई मैं आपको दिखाने वाला हूँ। वो रहे ये भाई आमिर भाई। आमिर भाई कैसे हो? आमिर भाई हमें वहाँ पे रोड पे मिले, हमने पहले उनको उठा लिया, बोला कि हमें वो लोकेशन वगैरह बता दो, एंड भाई ने एकदम मस्त लोकेशन यहाँ पे बोली, यहाँ पे हम फिशिंग भी कर सकते हैं। क्यों भाई? हाँ सही है भाई, बहुत ही अच्छी लोकेशन है यहाँ पे। आपने भी यहाँ पे कैंपिंग वगैरह की है? बहुत टाइम, लगभग 2-3 साल से पहले। हाँ भाई इधर ही रहता है तो इनको पता रहता है कहाँ पे कैसा क्या सीन है, तो फिलहाल हमने यहाँ पे टेंट वगैरह निकाल दिया, वो रही स्कूटी वगैरह, एंड पापा रहे वहाँ पे इनके साथ और एक दोस्त है आमिर भाई के साथ, तो सबसे पहले यहाँ पे टेंट सेट करते हैं, उसके बाद यहाँ पे मतलब मछलियाँ वछलियाँ हम पकड़ सकते हैं आराम से। हाँ, अच्छी तरीके से। चलो बहुत मछलियाँ, बाकी बोलो आप ठीक हो? अरे भाई साहब थैंक यू सो मच। फिलहाल अभी टेंट वगैरह लगाते हैं एंड उसके बाद देखेंगे कुछ खाना वाना बनाएंगे एंड शाम के टाइम देखेंगे फिशिंग करेंगे या तो सुबह के टाइम, लेकिन जो भी कहो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस वाले कैंपिंग सीरीज पे एंड इंशाल्लाह आगे भी आने वाली है कैंपिंग सीरीज। लेकिन अगर ये भाई नहीं होते, 2-3 भाई थे यहाँ पे आमिर भाई एंड 2-3,
इनके बगैर ये पॉसिबल नहीं था ये कैंपिंग, ठीक है। इन लोगों ने बहुत ज्यादा हेल्प की, तो इसके लिए थैंक यू सो मच। तो फिलहाल यहाँ पे रहे पापा, क्या बोलना चाहते हो आप? लगाना पहले टेंट वेंट बाद में करेंगे। मछलियाँ पकड़ोगे कि नहीं? मछलियाँ नहीं मिलेगा, क्यों? पानी ज्यादा है ना, देखो ना पानी के। पहले टेंट लगाते उसके बाद खाना वगैरह, हाँ फिर देखेंगे मछली, मछली के बारे में बाद में सोचेंगे। चलो सो गाइस, फिलहाल यहाँ पे हमने टेंट सेट कर दिया एंड सामान वगैरह सारा कुछ निकाल दिया। अब बस गुजारना है छोटी सी, हाँ इसमें छोटी सी घर में जिंदगी गुजारना है। लेकिन इस भाई ने बहुत हेल्प की, बहुत ना बहुत ज्यादा हेल्प की, एंड वहाँ पे वो भी है दो तीन उन लोगों ने भी। चलो फिलहाल अंदर ही सेटअप करते हैं सारा कुछ, एंड उसके बाद खाना बनाने की तैयारी करते हैं, एंड शाम के टाइम फिशिंग करते हैं। शाम के टाइम पहले मैं देखूंगा सपोर्ट कितना अच्छा, कल हमें खानी है खाने में फिश। हाँ चलो ओके, पकड़ोगे कि नहीं? देखो कितनी ज्यादा तेज है, अभी तक हमने कुछ भी नहीं खाना वगैरह बनाया, वो स्टोव नहीं चल रहा है क्योंकि हवाएं बहुत ज्यादा तेज है, बहुत ना बहुत ज्यादा। फिलहाल देखेंगे क्या कुछ जुगाड़ करेंगे, ये भाई कुछ जुगाड़ सोच रहे हैं, लेट्स सी। हवाएं देखो कितनी तेज है। बाबा कैसा लग रहा है आपको एक कैंपिंग? आज रात को रात गुजारना मुश्किल है, टेंट वेंट उठ जाएगा। ये देखो भाई साहब, ओ ओ भाई साहब। सो गाइस फिलहाल हमें ट्राई कर रहे हैं जलाने के, लेकिन ये जल ही नहीं पा रहा क्योंकि हवाएं बहुत ज्यादा तेज है, एंड ये भाई सब लोग हमको बहुत ज्यादा मदद कर रहे हैं। इस भाई ने बहुत ज्यादा हेल्प की, बहुत ना बहुत ज्यादा, हद से भी ज्यादा। ये देखो हवाएं थोड़ी तेज चल रही है, टेंट एकदम सेट है। चलो गाइस फिलहाल हम यहाँ पे ये पहले धोएंगे एकदम अच्छी तरीके से, एंड उसके बाद फ्राई करेंगे, लेकिन अभी भी हवाएं बहुत ज्यादा तेज है। लेकिन इन लोगों ने जितनी मदद की उतनी कम है, बहुत ना बहुत ज्यादा। एंड ये शर्माता है, एक ही शर्माता है। हवाएं बहुत ना बहुत ज्यादा तेज है, वहां पे रहा हमारा टेंट वगैरह, मैं सबसे पहले बहुत 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 जबरदस्त, और अदरक चलती ये पहले धोते हैं एंड उसके बाद देखते हैं। सो गाइस फिलहाल यहां पे पहले चिकन वगैरह अच्छी तरीके से धोते हैं, हवाएं बहुत ज्यादा तेज है, उस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, लेकिन भाई ने एक ट्रिक बोल दी, उस वजह से एकदम सब कुछ सॉर्टेड है, एकदम फिलहाल अच्छा कुछ सब कुछ जा रहा है। सबसे पहले हम चिकन फ्राई करेंगे एंड उसके बाद खाना वगैरह बनाएंगे, मतलब राइस वगैरह। एंड अभी देखो टाइम कितना आ रहा है, लगभग 7:30-8 तक टाइम आ रहा होगा, एंड यहाँ पे हमारा चिकन पहले वॉश हो रहा है, ये आप देख सकते हो चिकन हेवी तरीके से यहाँ पे वॉश हो रहा है एकदम। लेकिन इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत ना बहुत ज़्यादा, कितना मज़ा आता है। वो वहाँ पे है, ठीक है। अभी मैं दिखाता हूँ पापा वगैरह को भी, एंड रहे हमारे दूसरे भाई। गाइस हमने बहुत ही जबरदस्त ट्रिक की यहाँ पे, देख सकते हो आप, ये देख सकते हो सारे भाई मदद कर रहे हैं। चलो 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 चलो, क्या हुई हुआ उसी सिटी लुधारा उसी। बाबा कैसा लग रहा है चिकन बना के? खतरनाक आदमी है। सारे जबरदस्त मदद कर रहे हैं। ये जुगाड़ हमने किया, यहां से देखो गाइस प्याज काटे जा रहे हैं, सारे हेवी मदद कर रहे हैं, थैंक यू सो मच इतना हेल्प करने के लिए, बहुत हेल्प किया आप लोगों ने, बहुत ना बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। हम तो इम्पॉसिबल था पापा और मेरा, हम इतना कर पाते। मुर्गा बना रहे हैं, मुर्गा देखो। ओ भाई साहब बात तो सुन को ना ऐसा यार।
गाइस अभी हम यही बाहर ही बैठे हैं, अभी हम तैयार कर रहे हैं सारा कुछ खाना, लेकिन ये भाई अभी भी हमारे साथ इधर ही है। एंड ये भी है और भी दो है, वो पता नहीं कहाँ चले गए। लेकिन लोगों ने बहुत हेल्प की थी ना, मौसम भी खराब हो रहा है, अगर वो लोग बात तो ये नाने की हवाएं देखो कितनी तेज है, बस खाना वगैरह हो जाए उसके बाद सब सही है। देखो गाइस इतना कुछ रेडी हो गया यार, गाइस यहाँ पे हम पहले ये भी राइस भी बनाने वाले हैं, एंड ये हमने ऐसे ही रखा, ये तब तक तैयार हो जाएगा। सबसे पहले धोते हैं। पापा आपको कैसा लग रहा है आज, मतलब कैंपिंग पे आना है, खाना खुद बनाना, खतरनाक मजा आ रहा है और कैसा लग रहा है अमीर भाई? बाकी रहे हमारे साथ ये दो, यहाँ पे मैंने कमल बिछा दी एंड यहीं पे बैठेंगे फिलहाल कुछ टाइम, सिर्फ खाते करते। एंड ये देखो फिलहाल पूरा अंधेरा ही अंधेरा है, देखो यहाँ से मत रंटस आएगी, पहाड़ी पहाड़ी है। चलो एकदम जबरदस्त मजा आ रहा है, टेंट रही हमारी स्कूटी एंड ये इन भाई की स्कूटी है। बेची यास मजा आसान बाबा, लोगों को क्या बोलना चाहोगे, वो आएंगे कैंपिंग पे? आओ देखो मजे क्या है कैंपिंग पे मजे है। आप सामान पूरा साथ लाना भैया, अगर हमारा डब्बा नहीं मिलता ना भैया, नहीं देता तो खराब जिंदगी खत्म। आज बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है ऐसे कैंपिंग पे आना, ठीक है। एंड आप सब लोग भी आओ इस कैंपिंग पे, इस पे बहुत ज्यादा मजा आता है। मेरा सेकंड टाइम है, इससे पहले मैं एक बार गया हूँ पहलगाम, एंड मेरा ये दूसरी टाइम है, लेकिन यहाँ से कोई नहीं है। तब जब मैं पहलगाम गया था तब साइड वाइड से कैंप से, लेकिन यहाँ पे अकेले है, ठीक है। तो ये जबरदस्त एक्सपीरियंस रहने वाला है, एंड देखेंगे बारिश वगैरह मत ना होएगी रात को, वो भी देखा जाएगा। मगर हम यहाँ पे है पेड़ के नीचे, तो उतना ज्यादा कुछ टेंशन नहीं है। बाकी टेंट वेंट एकदम अच्छी तरीके से, बस खाने का वेट कर रहे हैं, खाना जल्द से जल्दी पकना चाहिए बस, बाकी सब कुछ सॉर्टेड है। यहाँ पे जाके गए जिसमें तेल खत्म हुआ, लेकिन तेल हमारे पास बहुत साथ है, तो ये डालेंगे तेल क्या उस आसमें और कोई तेल और कोई इसका थ्रो गया। चलो ठीक, ये रहा तेल, ये डालेंगे इसमें। इन सब चीजों में बहुत ज्यादा मजा आता है। एंड आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कैंपिंग, फाइनली अभी कैंपिंग भी कर दी हमने। देखो आने जाने वाले सारे साथ खड़े हैं, कभी ना कभी मैंने भी तो ऐसे वैसे ख्वाब देखे हैं, हम तो आस पास सांस थमे और हवा काम कर रहा है जबरदस्त तरीके से। ये देखो चिकन भी रेडी होने में लगा है, नहीं हम यहाँ पे पार्टी कर रहे हैं। इतने कुछ बंदे हैं, 1, 2, 3, 4 टोटल हम 6 हैं। बाकी अंधेरा ही अंधेरा है देखो। गाइस चिकन वगैरह यहाँ पे हमारा रेडी हो गया, चलो ये तैयार हो गया, इसको रखते हैं बंद, रखो बंद, ये हो गया तैयार, इसको रखो ऐसे। अब इसमें है राइस, ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये देखो। चलो मैं क्या लोगो तैयार उसके कामयाब तैयार हो गया, चलो इसके ऊपर रखते हैं। ये कितने टाइम तक तैयार हो जाएगा? 10-15 मिनट में बनाएंगे तो हो जाएगा। चलो भाई यहाँ पे बैठेगा एंड हम लाएंगे कुछ लड्डी वगैरह जो कि यहाँ पे बोन फायर शाम को जलाएंगे। हो थोड़ा बुझाए मो वो इन भाइयों ने बहुत ज्यादा मेहनत की एंड बहुत ज्यादा मतलब ना बहुत ना बहुत ज्यादा इन लोगों ने हेल्प की। क्यों पापा आज आपको जरा इधर दो पहले आज आप बोलो, आज आपको कैसा मजा लगा? आज बहुत मजा लगा, छोड़ आए हम वो गलियां। आज हेवी मजा आया, अभी खाना वाना भी बनाया है हमने एंड उसके बाद खाएंगे वगैरह भी। एंड और है मछली पकड़ने का प्लान, फिशिंग करने का प्लान, तो अंधेरा ही अंधेरा है उधर, तो अभी अंधेरा है तो अभी नहीं कर सकते। सुबह जब उठेंगे 4-5 बजे इंशाल्लाह, 4 या 6 बजे 7 बजे कल सुबह हम फिशिंग भी करेंगे यहाँ पे। एकदम मजा आ रहा है यहाँ पे, बहुत ज्यादा जबरदस्त मजा आ रहा है। पापा से पूछते हैं पापा का कैसा मजा आ रहा है पापा? बहुत मजा आ गया। अभी आग वाग जलाएंगे, डांस वानस करेंगे। ओ भाई साहब, हमारे मन हमको मत यहाँ पे खा जाएंगे, अगर शेर आ गए ना हाँ वो हमारा चिकन डिनर बनाएगा। भाई साहब बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। सो गाइस यहाँ पे हम बोन फायर की तैयारी कर रहे हैं,
क्यों भाई आग वाग जलाएंगे आज? हाँ बिल्कुल बहुत मजे करेंगे। ये देखो मुझे खाना हो रहा है तैयार। सुबह जैसे हमारा खाना रेडी हो गया। रेडी रेडी था। अच्छा ठीक, अभी रेडी नहीं हुआ इसको कुछ। अच्छा मैंने फ्यार ये सिखाती है जिंदगी कैसी है हमारी। हाँ मैं चु घर करा लड़ाई बात दियो बात वही सा ची मेहनत ओके गाइस इन भाई साहब लोगों को निकलना है घर। इन लोगों ने बहुत ज्यादा हेल्प की तो फिलहाल अभी पापा और मैं रात को इधर ही, ये सुबह आएंगे फिर नजर देने के लिए। चलो भाई बहुत ज्यादा शुक्रिया है, कल आना सुबह। चलो टाटा बाय बाय। ओके सर बाय। ओके बाय बाय। हाँ कल आना सुबह नियर अब सवाल। ओके कैशन परवाइड टेंशन नॉट। अभी पापा और मैं है एकदम, अभी हम दो ही हैं फिर। ये बोन फायर वगैरह हमने ऐसे जला दिया। उड़ाए हम वो गलियां। गाइज ये जो कैंपिंग वगैरह का सीन होता है ये जिंदगी की सबसे सबसे बेस्ट मेमोरी रहती है। बाकी मतलब इंसान को डिप्रेशन वगैरह होता है, एनजाइटी वगैरह होता है, तो उन सब चीज़ों के लिए बहुत ही अच्छा है। एंड लोग बहुत ज़्यादा मतलब गलत कुछ चीज़ें कर रहे हैं, ड्रग वगैरह करते हैं आजकल के लड़के वगैरह, तो उन सबसे दूर ही रहो तो अच्छा रहेगा। बस अपनी लाइफ इंजॉय करो, घूमने जाओ फ्रेंड्स के साथ, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ करो, कैंपिंग पे जाओ, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिंदगी में वो सब करो। इन सब चीज़ों में मत पढ़ो, इन सब चीज़ों में मत ही पढ़ो तो बेहतर है, ठीक है? क्योंकि मतलब आजकल के ज़माने में ज़्यादा यही कुछ चलता है, लोग सिगरेट वगैरह पीते हैं, ड्रग वगैरह। हाँ तो इन सब चीज़ों से हट के रहो, मतलब अच्छी तरीके से अपनी लाइफ गुजारो, मज़े लो, बाकी चिल करो। ओके गाइज अभी हम करने वाले हैं काम, अभी हम बनाने वाले हैं खाना। हमने सब कुछ बना दिया, अभी बस हम खाने वाले हैं टेंट में अंदर जाके बैठ के। फिलहाल अभी हम यहाँ पे बोन फायर के पास है, हाथ वाथ वगैरह सेक रहे हैं। ठंड उतनी ज़्यादा नहीं है फिर भी हम अपने मज़े के लिए यहाँ पे बैठे हैं। एंड ये मेरी ज़िंदगी का पहला एक्सपीरियंस है अपने पापा के साथ, एंड मैं बहुत ज़्यादा मतलब खुशकिस्मत हूँ मुझे ऐसे पापा मिले एंड ऐसा मौका मिला आज कैंपिंग वगैरह पे, ठीक है? मेरी ज़िंदगी मतलब मेरी लाइफ में पहले ऐसा कुछ नहीं था पापा के साथ कैंपिंग वगैरह, तो मैं सोच भी नहीं सकता था। लेकिन फिर धीरे धीरे करके मतलब बात वगैरह इंप्रूव वगैरह की, ऐसे ऐसे बात वगैरह करता था, फ्रैंक वगैरह हो गया थोड़ा थोड़ा। अभी फिलहाल कैंपिंग वगैरह पे, इंशाल्लाह इससे भी आगे आगे जाएंगे, बहुत सारे कैंपिंग आने वाले हैं। सीरीज क्यों पापा? अभी तो बहुत कुछ आने वाला है। बैठो नीचे, खाना वगैरह हमारा रेडी हो गया। खाना रेडी है भाई, हूं नहीं यार। बाकी लोगों को क्या बोलना चाहते हो आप? पहले खाना अंदर करेंगे। हाँ अभी करेंगे, दो मिनट मेरे को बोलो। बाकी लोगों को क्या बोलना चाहते हो? मतलब लोगों को क्या बोलूंगा मैं, लोगों को तो खुद पता ही है सब क्या करना है, अपने बच्चे से प्यार व्यार करना है। हाँ अपना लाइफ एंजॉय करो, मजे ले लो, और क्या करना है। कैसा लग रहा है बैठ के? ओ तो बहुत मजे आने वाला है अभी अभी, गाना वाना गाएंगे, खाना खाएंगे, फिर गाना गाएंगे। अभी हम यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे हम दो ही है बस, और कोई नहीं है, और ऊपर वाला है। गाइस वहां से वो पानी है, ठीक है? कल मैं दिखाऊंगा आपको अच्छे से। वैसे हमें गांधरबल में अभी। हाँ चलो हम चलते हैं अब अंदर, अब खाना वगैरह खाएंगे क्योंकि भूख भी बहुत ज्यादा लगी। इसको पहले खोलते है, ये देखो अंदर सब कुछ बिखरा पड़ा, ये सेट करते हैं एंड अच्छे से बैठते हैं। चलो अभी यहाँ साहब टेंट को सेट कर रहा है, अभी हमने खाना नहीं खाया, पहले हम टेंट को सेट करेंगे फिर खाना खाएंगे, फिर थोड़ा और बाहर 5 मिनट निकलेंगे। शांत है ना कैंपिंग में? चलो शांत वहां नहीं है, ऐसे ही है, बी आगा था वो। चलो चलो शांत का ध्यान रखते, शांत कैंपिंग में नहीं है, शानवान नहीं होता है, इधर ऐसे ही होता है। अच्छा सा जड़ कड़ी बनाना, चलो इधर ऐसे ही होता है। कैंपिंग किसको बोलते हैं फिर? ये कितना रखेंगे? ये था वो ना शांत भी एक, ये पहले रखेंगे इस साइड से, खाना वाना खाएंगे,
بستر وستر ترا ہو کمل بیا کتہ وت سٹائی کنتر سٹھا ہو کن سائیڈس کن یہ راز واس سائیڈس چلو یہ ہم نے دودھ اور یہ لایا ہے کل چائے وغیرہ بنائیں گے ہاں کل چائے بنائیں گے نا باقی یہ رہا میرا بیگ باقی یہ رہا پاور بینک وغیرہ اور مت کچھ اور فون ایک دو ہے یہاں پہ بس اور گائز وہاں پہ ہم نے وہ ایسے ہی رکھا جلانے کے لیے کیونکہ مطلب جانور وغیرہ کا خطرہ ویسے یہاں پہ تو نہیں ہے پھر بھی ہم نے رکھا اینڈ ہاتھ وغیرہ بھی سیک لیے اس سے جانور وانور نہیں آتا ہے کوئی بھی جنگلی جانور نہیں آئے گا چلو آج سے ڈرتا ہے اچھا تل کے رکھنے تو یہ جل جائے گا یہ رکھ کھانا یہ رکھتے ہیں اس پہ اینڈ یہ ایک پائلٹ رکھتے ہیں اس پہ باقی گائز فشنگ وغیرہ آپ بول رہے ہوں گے فشنگ وغیرہ ہم کریں گے صبح ویسے پانی تو زیادہ ہے پھر بھی دیکھیں گے سو گائز فی الحال ابھی ہم اندر آ چکے ہیں کہ ہم نے ٹینٹ وغیرہ بند کر دیا فی الحال ابھی کھانا کھانے کی تیاری کرتے ہیں کیونکہ بھوک بھی بہت زیادہ لگی ترے پائلٹ کے اس خطرے سے زوئی ٹھیک باقی یہاں سے رہا یہ کہ ان بھائی نے لایا عامر بھائی نے جو کہ میں نے آپ کو بولا تربوزہ لایا اس نے بہت نہ بہت ہیلپ کی اس نے اسی نے نہیں کھا لی جتنے بھی وہ لڑکے تھے وہ یہی کے رہنے والے تھے ان لوگوں نے بہت ہیلپ کی میں تو چال پٹ رہا ہوں بھائی ایسے روز روز کہاں آئیں گے ہاں ایسے مزے کہاں لے پاؤ گے مت نا بابا یا مزے کیا حالات خراب ہو گئی بھیا پیار کرنا ہے ویڈیو میں میں تو کہتا ہوں خراب ہوئی اگر آپ نے پیار نہیں کیا تو اس کا خراب ہی ہو جائیں گے اگزام کو تو گئے وہ چوسا بھایا گرایا خالی زن زیوٹ اکھ گراؤنڈ یہ گراؤنڈ جیسا ہے اینڈ باہر سے ایک ریور بہ رہا ہے سو گائز فی الحال کھانا وغیرہ ہو گیا ایک دم کھانے میں ایک دم مزہ آیا اینڈ اب جیسا بھی بنا تھا اب مزہ آئے گا کہ اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا تو اتنی محنت کرنے کے بعد اگر کچھ مطلب کھانے کو ملتا ہے تو بہت زیادہ مزہ آتا ہے فی الحال عامر بھائی نے ہمارے لیے تربوز لایا تھا اس نے مطلب میرے پاس ورڈز ہی نہیں ہے ابھی فی الحال کاٹتے ہیں اینڈ کھاتے ہیں ٹائم میں آپ کو بتاتا ہوں رکو ٹائم ابھی آ رہا ہے 10:08 ٹھیک ہے چلو باقی اس لائٹ نے بہت ساتھ دیا اینڈ یہاں سے فون بھی ہے آج ہماری رات امتحان کی رات ہے پتا نہیں کامیاب ہوں گے کہ نہیں یہ رہا پلیٹ کل سویرے تک شیر کھا جائے گا پتا نہیں کامیاب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے اگر ہوں گے تو پھر آپ کو بھی پتا چلے گا اگر نہیں تو پھر رات کو شیر کے پیٹ میں سیدھا کاٹو کاٹو خربوز اس میں مزہ آئے گا کمل وغیرہ ہم نے بچھا دیا اینڈ یہ رکھے ہم نے پیچھے اس پہ ہم سوئیں گے اگر ہاپت واپت آ تو ماں کے لیے گئے صاحب تو سیوڑ مز یہاں خطرہ نہیں ہے باقی گائز آج کا دن مطلب یہی پہ ختم کرتے ہیں ٹھیک ہے اینڈ کل ملتے ہیں آپ سے آؤ دوسرے والے پارٹ میں کیونکہ یہ والا پارٹ بہت زیادہ بڑا بن رہا ہے تو کل ہم انشاءاللہ صبح فشنگ کرنے بھی جائیں گے فشنگ والی روڈ ہماری وہاں پہ ہے اینڈ سامان وغیرہ اس میں ہے تو دیکھیں گے ویسے پانی بھی بہت زیادہ ہے لیٹس سی کیسے کیا مزہ آئے گا کل فی الحال آج کے لیے اتنا ہی اب ہم سوتے ہیں اب ٹھیک ہے بابا خربوز کھائیں گے سو جائیں گے مجھے نیند کھسائیں گے میں بہت تھک گیا شنگوس شنگے بھائی تھک سے شانت شنکے شانت بھی نہیں ہے بھیا کیا کریں گے سو جاؤ لائٹ کرتے ہیں بند یہ فون رکھتے ہیں یہاں پہ رات بھر یہ لائٹ تھا وہ چالو کیا کرنا پڑتا ہے میرے پاس یہ تھا وہ لوت چلو صہیب تاپ دس
ये स्वेप कर रहा है सवेरे फिशिंग, लेकिन भैया मछली